रणबीर सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, तो राजेश खन्ना 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन आज भी उनके फिल्मों के जरिए हम उन्हें बहुत याद करते हैं। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अब तक कई फिल्मों में काम किया और हर फिल्मों से उन्हें बहुत स्टारडम मिला। एक समय में उन्हें इस स्टारडम का बहुत ज्यादा भूत सवार हो गया था। उन्होंने असफलताएं भी देखी अपने करियर में। एक समय ऐसा आ गया था जब आपको बता दें कि राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी और इस चीज को राजेश खन्ना सहन नहीं कर पा रहे थे। एक घटना इसके बाद ऐसी हुई जिसने राजेश खन्ना को झकझोर के रख दिया। आपको बता दें कि निधन से पहले ही राजेश खन्ना के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद राजेश खन्ना को ये समझ में आ गया था कि उनका स्टारडम कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। क्या थी वो घटना और क्या थी पूरी बात, हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना आखिरी सांस तक सुपरस्टार ही रहे। उनके जाने के बाद भी फैंस उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना कहकर ही पुकारते हैं। जी हाँ, उस वक्त काका का यह चार्म हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब काका को एहसास हुआ कि अब उनका यह चार्म कहीं फीका पड़ गया है। दरअसल एक घटना है जिसमें राजेश खन्ना अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की भीड़ से घिरे राजेश खन्ना अचानक अकेले हो गए। उन्होंने देखा कि एक सेकंड में सारे फैंस उनसे दूर भाग गए। वजह थे अमिताभ बच्चन। जी हाँ, एक इवेंट में राजेश खन्ना पहुंचे थे। ये एक फिल्म की मुहूर्त पार्टी थी। फिल्म का नाम था शक्ति। इस फिल्म में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कुलभूषण खरबंदा और अनिल कपूर भी थे। इस पार्टी में राजेश खन्ना तब पहुंचे थे जब सारे गेस्ट आ चुके थे। राजेश खन्ना की इस आदत से हर कोई परिचित था कि वो अपने समय से ही आते हैं। जब राजेश खन्ना ने एंट्री मारी तो हॉल में खड़ी सारी लड़कियां चुंबक की तरह उनकी तरफ खींची चली गई। राजेश खन्ना के पास जाकर फीमेल फैंस उनसे ऑटोग्राफ पाने की होड़ में जुट गए। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा कि तभी मेन गेट पर हल्ला मचा। ये हल्ला अमिताभ बच्चन की एंट्री पर मचने लगा। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने कमरे में एंट्री मारी तो राजेश खन्ना के आसपास जो लड़कियां जुटी हुई थी वो अचानक छटने लगी। एक एक कर सारी लड़कियां अमिताभ बच्चन के करीब जाकर उन्हें घेरने लगी। कुछ ही देर पहले जिस भीड़ ने राजेश खन्ना को घेरा हुआ था, अब उनके पास कोई नहीं था। वहीं अमिताभ बच्चन को वो भीड़ घेरे हुए खड़ी थी। उस वक्त राजेश खन्ना को इस बात का एहसास हुआ कि अब उनका स्टारडम किसी और के पास जा रहा है। राजेश खन्ना की लाइफ से जुड़े ढेरों किस्से हैं। राजेश खन्ना को लग्जरी कारों का बहुत शौक था। जी हाँ, इसे जुड़ा एक किस्सा है। एक बार काका को एक गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो दौर ऐसा था जी राजेश खन्ना के सिर पर उनका स्टारडम सर चढ़कर बोलता था। जी हाँ, तो लोगों में उनका क्रेज इस कदर था कि वह अपना रुमाल फेंकते थे तो लोग उसे उठाने के लिए आ जाते थे। लेकिन स्टारडम का ये दौर राजेश खन्ना की जिंदगी में हमेशा ही ऐसा नहीं रहा था। एक वक्त ऐसा भी था जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। इस बात से एक्टर इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने भगवान पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, राजेश खन्ना ने साल 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, जिसमें उन्होंने अपने स्टारडम और असफलता को लेकर बातें की थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे अभी भी याद है वो पल जब मुझे यह पहली बार मालूम चला था कि सफलता कितनी शानदार हो सकती है या आपको पूरी तरह से पागल बना सकती है। राजेश खन्ना ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि ऐसा फिल्म अंदाज के बाद हुआ था जब मैंने 10 मील दूर तक सड़क किनारे खड़े केवल लोगों
के सिर देखे। वहां काफी भीड़ थी और लोग चिल्ला रहे थे। वह बिल्कुल एक स्टेडियम के नजारे की तरह लग रहा था। ऐसा माहौल देख मैं बच्चों की तरह रोने लगा था। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में अपनी असफलता को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरे पेट के लिए ये काफी था, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने जिंदगी में असफलता देखी थी, एक के बाद एक, और फिर 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और छत पर मैं अकेला मौजूद था। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में कहा कि उसी वक्त मैंने अपना आपा खो दिया और मैं भगवान पर चिल्ला पड़ा। मैंने कहा कि परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को ही इनकार कर दें। एक्टर ने बताया कि मेरी आवाज़ सुनते ही डिंपल और स्टाफ दौड़े चले आए। वो इस बात से घबरा गए थे कि आखिर मुझे क्या हो गया। राजेश खन्ना यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि ऐसा मेरे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि सफलता ने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया था और फेलियर को मैं संभाल नहीं पाया। बता दें कि राजेश खन्ना को लेकर ऐसा भी कहा जाता था कि जहां भी वो जाते थे लोग उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो जाते थे। उनका स्टारडम ऐसा था कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखकर भेजा करती थी। जी हाँ, तो अपने स्टारडम में राजेश खन्ना इस तरीके से लीन हो गए थे, इस तरीके से खो गए थे कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और जब वो घटना हुई कि लोग उनको घेर कर खड़े थे और अचानक से वो भीड़ अमिताभ बच्चन की तरफ चली गई, तो एक सेकंड के लिए राजेश खन्ना को ये एहसास हो गया कि जो स्टारडम उनके पास काफ़ी पहले था वो स्टारडम अब वो किसी और को मिल गया है, वो स्टारडम उन्हें नहीं मिल सकता फिर से। ये सारी बातें खुद राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में बताई थी। अपने निधन से पहले उनके साथ ये घटना घटी थी जब उन्हें एहसास हुआ था कि अब वो इतने सफल नहीं रह गए हैं कि लोग उनके पास आके उनसे बात करें। जी हाँ, तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना राजेश खन्ना के बारे में और उस घटना के बारे में भी जिस घटना ने राजेश खन्ना को झकझोर के रख दिया था। कैसे राजेश खन्ना को यह पता चल गया था कि अब उनका स्टारडम खत्म हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अपनी सफलता असफलता के ऊपर राजेश खन्ना ने बात भी की थी और कई सारे खुलासे भी किए थे। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।